नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के बारे में। तो अगर आप 10th में हैं या फिर 12th में, तो इस चीज़ को ध्यान से दीजिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल टॉपिक होगा प्रैक्टिकल के ऊपर, आज की टॉपिक जो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकल के सामने, अगर प्रैक्टिकल आपने रिजल्ट देखा होगा तो प्रैक्टिकल में इस तरह का चीज़ लिख के आ रहा होगा। क्या कि आपको ए वी लिख के आ रहा है, ए वी मतलब होता है एबसेंट। तो अगर आपका भी एबसेंट बता रहा है तो ये क्यों बता रहा है, ये हुआ कैसे और इसको ठीक कैसे करें, तीनों टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आप नीचे में मैं बताऊँगा कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए टोटल 5 टॉपिक पर बात करना है, तो इस पे बात करते हैं। प्रैक्टिकल में अगर आपका ए वी लिखा रहा है और इसी की वजह से आपका उस सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में अगर ए वी प्रैक्टिकल में है, उसमें आपको फेल भी कर दिया गया है, मार्कशीट में ऐसा दिखा रहा होगा, तो इसका कारण समझें। करना क्या है, क्या करें, उस पे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले समझना चाहिए आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है इस एग्ज़ाम की। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्यों इतना ज़रूरी होता है और इसमें कम नंबर लाने से या इसमें एब्सेंट हो जाने से आपका पूरा रिजल्ट बर्बाद कैसे हो जाता है, आज आपको पता चल जाएगा। अगर आपने किसी कारणवश या कोई बीमार हो गए होंगे, कोविड हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, उस कारण छोड़ा है, तब तो आपके साथ गलत होगा। लेकिन आपके जानबूझकर आपने ये प्रैक्टिकल छोड़ा है तो आपने बहुत बड़ा गलती मोल ले लिया है, बहुत बड़ा आपने अपने साथ अन्याय किया है। देखो पासिंग क्राइटेरिया समझते हैं कि आखिर में ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि आपको पता है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम साइंस के स्टूडेंट को होता है, कुछ कुछ आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में भी होता है, जैसे कि ज्योग्राफी। तो जिनको भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना था, जिनके सब्जेक्ट में था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपको 70 मार्क्स होते हैं किसके, थ्योरी के। 30 मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल के, जिनमें आपको क्या करना रहता है, आपको थ्योरी में तो पास करना ही करना है, नो डाउट आपको इसमें पास करना ही करना है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में भी तो पास करना था, प्रैक्टिकल को कैसे छोड़ दिए। थ्योरी में 70 में से आपको 25 नंबर 22 नंबर लाना होता है, मतलब 33% लाना होता है, बच गया 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का, तो इसमें भी तो 33% लाना होता है, मतलब 10-15 नंबर आप 15 से ऊपर लाना होता है प्रैक्टिकल में भी। तो दोनों में पास करना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी थ्योरी एग्ज़ाम में पास करना था, उतना ही ज़रूरी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास करना था। अगर आपने नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम में फंस गए हैं, और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे फेल लिखा गया है, बस यही कारण है। पासिंग क्राइटेरिया आपने समझ लिया कि फेल आखिर हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है, क्योंकि आपने इस पासिंग क्राइटेरिया जो होता है, जो नियम बना गया है, उसको फॉलो नहीं किया, आपने नंबर कम लाए होंगे या फिर आप एग्ज़ाम दिए ही नहीं होंगे। वही वाली बात करते हैं आगे। एब्सेंट क्यों किया गया, दो रीज़न से आपके पास, या तो आपने एग्ज़ाम्स ही नहीं दिया है, या तो आपने प्रैक्टिकल दिया है लेकिन प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स ही कॉलेज वाले ने दिए हैं, या फिर प्रैक्टिकल आपने दिया है और आपने सही से नहीं दिया है, कॉपी भी नहीं दिया होगा, एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं लिखा होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। तो दो कारण हो सकते हैं कि आपको एब्सेंट करा गया है, या तो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, या तो आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपका मार्क्स नहीं चढ़ा होगा। कॉलेज वालों से भी गलती हो जाती है, वो लोग एब्सेंट कर देते हैं प्रेजेंट स्टूडेंट को भी, वो स्टूडेंट गया एग्ज़ाम भी दिया, सारी चीज़ अच्छे से किया लेकिन उसको एब्सेंट डाल दिया, तो वो कॉलेज वाले की गलती है, ठीक है। तो अब आगे टॉपिक पर बात करते हैं, पास कैसे कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम तो हो गया है, अब इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में देखते हैं। देखो यार, सोल्यूशन जो है सिंपल सा है, सोल्यूशन में बात करूँगा। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, विनती, अर्ज करना अपने जो भी हेड हैं उनसे। अब कहाँ पे जाके हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होम सेंटर में हुआ था, यानी आपके अपने अपने कॉलेजेस में हुए थे, तो उस कॉलेजेस में प्रैक्टिकल का जितना भी पावर होता है किनके हाथ में होता है, कॉलेज वालों के हाथ में होता है। नंबर कौन देते हैं, कॉलेज वाले ही देते हैं, ठीक है। एब्सेंट प्रेजेंट जो भी करना होगा वही करते हैं, और इस प्रॉब्लम का समाधान भी वही आपको देंगे। तो आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है एक बार, अपने जो भी सब्जेक्ट थे, मान लीजिए कोई किसी का फिजिक्स में लगा होगा तो फिजिक्स वाले सब्जेक्ट से जा करके मिलेंगे, किसी का बायोलॉजी में लगा होगा
बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट से, तो जो भी सब्जेक्ट में लगा उस सब्जेक्ट के टीचर से जाकर मिलो, ठीक है, मिलो, रिक्वेस्ट करो, और जो भी मांगते हैं थोड़े बहुत जुगाड़ लगवाओ, और क्या मांगते हैं दे दो, तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा आपका। अगर रिक्वेस्ट से काम नहीं बनता है तो उस केस में क्या क्या होगा, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आया है ना, ये वाला रिजल्ट जो जारी किया गया है अभी, तो वो सिर्फ डेमो के लिए, आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट है कॉलेज से आएगा, एकदम फुल फ्लेज्ड रिजल्ट आता है कॉलेज वाला, तो वो ओरिजिनल रिजल्ट में भी फेल रहेगा, और फेल रह गया उस रिजल्ट में भी तो आपका एक साल बर्बाद, यानी आप नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम दोगे, ट्वेल्थ का या टेंथ का जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको फिर से वही एग्ज़ाम रिपीट करनी होगी, यानी इस साल का एग्ज़ाम टोटली आपका ख़राब हो गया एक बस प्रैक्टिकल के कारण। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की पास करने की कितनी वैल्यू होती है आपको समझ में आ रहा होगा। बोर्ड एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल है, मान लीजिए किसी का 11th का रहता तो काम चल जाता, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल को कभी मिस मत करना लाइफ में। अपने जो भी दोस्त देख रहे हो वीडियो को, अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन सबको दिखाओ, ये कभी मिस मत करना यार बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो दो ऑप्शंस आपके पास है, सोल्यूशन है, कॉलेज जाओ, कॉलेज में ही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं देगा, कॉलेज में जाओ, रिक्वेस्ट पहले करो, अगर रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं तो आप एक एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन में कुछ ऐसा इमोशनल चीज़ लिखो कि मेरा तबीयत ख़राब था, ये वो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो अगर आपके पास तो वो भी लगा देना एप्लीकेशन में, देन उसके बाद कोई उपाय तो ज़रूर निकाल देंगे आपके कॉलेजेस वाले, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालोगे तभी होगा, ऐसे जाओगे कॉलेज में एक बार बोलोगे सर, प्यार से बोलोगे तो नहीं सुनेंगे वो लोग, समझ रहे हो, रिपीट करो जाके वहाँ पे बार बार उनको बोलो सर कुछ करिए कुछ करिए, तब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सीधे बन के जाओगे तो फिर तो आपका बात नहीं सुनेंगे, डांट उठ के भगा देंगे कॉलेज वाले भी। इस तरीके से आप इसका कोप अप कर सकते हो, या फिर बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके ईमेल्स दिए गए हैं, ईमेल मैसेज कर सकते हैं आप लोग, अपना प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं, या फिर उन्हीं का कुछ नंबर्स स्क्रीन पर मैंने लिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं, या उनका फैक्स वगैरह नंबर है ऑफिस का, तो लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर कॉलेज से जाइए बात करिए। बोनस पॉइंट मैं देना चाहता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट अपनी तरफ से मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऐसे सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन आने क्यों देते हो आप लोग, आने नहीं दिया करो यार, आने वाले लाइफ टाइम में कभी भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को हल्के में ना लेना, और इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे के चलना। बोनस पॉइंट यही है कि आप लोग एक लड़के जाओगे तो शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिले, लेकिन आप लोग ग्रुपिंग करके जाओगे, मतलब 4-5, 10-15 लड़का एक साथ गया कॉलेज में, तो कॉलेज वाले भी देखेंगे क्या हो गया, एक साथ इतना लड़का आया है, तो इतना लड़का देख करके थोड़ा सा सोल्यूशन वो दे सकते हैं, साइकोलॉजिकली उन लोगों के माइंड पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर अगले साल की तैयारी कर सकते हो। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में सिर्फ एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल वहाँ पे शायद नहीं होता है जितना मैं जानता हूँ। अगर इससे भी रिलेटेड जानकारी आप कॉलेज में जाके लीजिएगा, वो बता देंगे कि क्या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का भी प्रैक्टिकल होता है कि नहीं। मेरे हिसाब से नहीं होता है, लेकिन कॉलेज वाले ज़्यादा जानकारी होंगे क्योंकि वो बुज़ुर्ग होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो बता देंगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में सिर्फ थियोरी होता है या प्रैक्टिकल भी, दोनों जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार कम से कम आप लोग कॉलेज ज़रूर जाएं, अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। किन्हीं लड़कों का क्या होता है ना, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया होता है लेकिन फिर भी एब्सेंट दे दिया, तो वो तो सबसे बड़ा अन्याय हुआ उनके साथ, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया, प्रैक्टिकल कॉपी बनाई, वाइवा एग्ज़ाम भी दिया, सभी कुछ किया, लेकिन एब्सेंट लिख दिया, कितना बड़ा गलत बात है। तो उस कंडीशन में भी आपको जल्द से जल्द जाइएगा, एप्लीकेशन एक लिखिएगा, एप्लीकेशन लिखना तो आता ही होगा, एप्लीकेशन लिखिएगा कॉलेज में, बताइएगा हमने एग्ज़ाम दिया सब कुछ किया लेकिन मेरा एब्सेंट आपने क्यों किया, ये सारी चीज़ें बताइएगा, वो लोग ठीक कर देंगे। जिनके साथ अन्याय हुआ वो तो सबसे पहले ठीक करेंगे, और जिनका साथ, जिन्होंने जानबूझकर प्रैक्टिकल छोड़ा है, उन लोगों को भी सोल्यूशन मिलेगा लेकिन थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ उनको पहले मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी है। ये वीडियो सारे जगह फैला दो, अपने दोस्तों में फैला दो, और इस लोगो को भूलना मत, यही मेरे चैनल का लोगो है, और इस चैनल का लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसको सब्सक्राइब करना, और वहाँ से मेरा जो है सारा इंस्टाग्राम सारा आईडी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आके हमसे बात कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और सारे सोल्यूशन मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ, ये हमारा नया चैनल है, पुराना चैनल ये वाला जो देख रहे हो आप,
शायद ये बंद हो सकता है आने वाले समय में, तो इस पे आके जल्दी से जुड़ जाओ। बैकअप चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।